शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले फतेहपुर में रहने वाली एक नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत करते हुए उसने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक शादीशुदा युवक उसको बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर अपने साथ अजमेर ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ कई बार बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और फिर उसको छोड़कर चला गया, जिसकी शिकायत नाबालिग ने थाने पर दर्ज कराई, पर सुनवाई न होने के चलते एसपी से मदद की गुहार लगाई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज आप एसपी ऑफिस आए हो, क्या कुछ मामला लेकर आए हो? आपने बोला कि मेरे साथ कुछ गलत काम हुआ है, किसने किया है और कहां रहता? रवि ने करा है। रवि ने किया है, वो कहां रहता था? मेरे बगल में, घर के बगल में रहता। अरे कहाँ पे ले गया था आपको? अजमेर ले गया। कितने तारीख को ले गया? एक तारीख को। कितने दिन आप उसके साथ रहे? चार दिन। कहाँ पे रही वहाँ पे? चार दिन अजमेर से हम ग्वालियर आ रहे, ग्वालियर में चार दिन रहे थे। क्या किया उसने वहाँ पर? अजमेर में गलत काम करा? नहीं, गलत काम के अलावा ही बता रही हूँ ना, आप क्या काम किया? आपके आधी किलो की थी वो बेच के। तो वो शादी का झांसा देकर ले गया था आपको? कैसे ले गया था, क्या बोला था? शादी करूँगा तुम, मैं शादी करूंगा, ये कह के ले गया था, तो इसलिए आप चली गई उसके साथ। फिर वहाँ जाके आप उसने गलत काम किया आपके साथ? कितने दिन रखा उसने? एक दिन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।